दोस्तों मारुति जिप्सी, मारुति जिप्सी में फोर व्हील ड्राइव कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी ये जो मारुति जिप्सी में फोर व्हील ड्राइव होता है, फोर व्हील ड्राइव में क्या रहता है, 4L जो है मतलब फोर व्हील लोअर, मतलब के आपको जहाँ पे हिली एरिया में चढ़ना होता है वहां पे ये फोर व्हील, वहां पे आपको टॉर्क ज्यादा मिलेगा। और जो फोर व्हील हायर, जो आपका मड़ी या स्लरी वाला रास्ता है वहां पे आपको फोर व्हील हायर करना पड़ेगा। तो ये फोर व्हील हायर और फोर व्हील लोअर, एक्सेप्ट जब नॉर्मल कंडीशन में हम जब चलते हैं तो टू व्हील हायर पे चलते हैं। अभी इसमें क्या करना है कि अगर आपको ये फोर व्हील हायर लेना है तो फोर व्हील हायर करने के टाइम पे या फोर व्हील लोअर करने के टाइम पे, लोअर या हायर करने के टाइम पे इसका एक कंडीशन है कि आपका व्हीकल जो है उसका स्टेयरिंग एकदम आगे के व्हील जो है वो स्ट्रेट रहने चाहिए, आगे के व्हील स्ट्रेट रहने चाहिए, उससे क्या हो ये एंगेज करने के टाइम पे। दूसरा कि आगे के जो व्हील तो स्ट्रेट चाहिए, एज वेल एज उसमें जो फ्री व्हील हब जो रहते हैं आगे के वो एंगेज पोजिशन में चाहिए, वो एंगेज पोजिशन में है तब आपको इसको फोर व्हील ड्राइव में डालना है। और फोर व्हील ड्राइव आपको नॉर्मल रनिंग में यूज नहीं करना है, वो स्लरी वाला मड़ी रास्ता जो रहता है, रोड रहता है, उसके ऊपर आपको फोर व्हील ड्राइव ये जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। या हिल में, हिली एरिया में चढ़ने में क्लैंपिंग करने के लिए अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए जाते हो तो वहां पे आपको फोर व्हील लोअर या फोर व्हील हायर आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका व्हीकल जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, व्हीकल के आगे के जो व्हील है वो ना कोई एंगल में होने चाहिए, वो स्ट्रेट व्हील रहेंगे उस टाइम पे आप ये लीवर को यूज कर सकते हो और वो लीवर को यूज कर सकते हो। और उसमें क्या होता है कि फोर व्हील ड्राइव हायर में कम पावर जाएगा लोअर के कंपैरिजन में, फोर व्हील लोअर के अंदर में आपको पावर ज्यादा जाएगा, टॉर्क ज्यादा लगेगा, पावर ज्यादा कंजम होगा। तो ये है दोस्तों, अभी इसमें आपका जो मैं बताता हूँ कि फ्री व्हील जो है वो फ्री व्हील में, तो वो जो फ्री व्हील है वो फ्री व्हील हब वो किस तरह से काम करेगा, उसमें ये जो है अभी डिसएंगेज पोजीशन में है, ये डिसएंगेज पोजीशन के अंदर में आपको जो लीवर है वो फोर व्हील या फोर व्हील हायर में या लोअर में नहीं डालना है, आपको फोर व्हील हायर या लोअर में नहीं डालना है, इसको एंगेज पोजीशन में लेना है। एंगेज पोजीशन में लेने के बाद क्या होता है, एक्सल जो है व्हील के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये कनेक्ट होने के बाद आपको अंदर के जो फोर व्हील ड्राइव के जो गियर्स है वो आपको ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके लिए ये व्हील जो है वो व्हील ऐसा या ऐसा कोई एंगल में नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए जैसा अभी है, इस तरह से होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी अगर मिली है, तो आपको सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ द वीडियो।